80 के दशक में माँ मंडलेश्वर गिरिजानंद सरस्वती ने अपने यहाँ पर दो बटुट राजेश शर्मा और पंडित चिंतामण को गुरु परंपरा से अध्यापन करवाया था। तब से आश्रम अब वह जगह आश्रम नहीं है, अब वर्तमान मंदिर जो अभी वहाँ वर्तमान मंदिर है उसके आगे की जगह में विद्याधाम की शुरुआत की गई है। 1995 में श्री विद्याधाम मंदिर में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती माँ परम्बा की स्थापना की गई। धीरे धीरे विद्यालय में बटुओं की संख्या बढ़ती गई। अब आश्रम के वर्तमान महामंडलेश्वर चिन्मयानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में बटुक गुरु परंपरा से अध्ययन कर रहे हैं। हर साल 150 बटुक प्रवेश लेते हैं और 9 से 12 साल तक यहाँ पर रहकर गुरु परंपरा के अनुसार अध्ययन करते हैं। अब तक करीब 5,500 विद्यार्थी पढ़कर निकल चुके हैं। यहाँ के विद्यार्थी अलग अलग शहरों में मंदिर मठ पर पूजन पाठ हवन यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ के कई छात्र तो अमेरिका लंदन जैसी जगहों पर भी हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा का पूर्ण निर्वहन होने वाला पवित्र स्थान है श्री शिव विद्याधाम। यहाँ आज भी गुरु शिष्य परंपरा का परिवहन किया जा रहा है। यहाँ की जो बटकों की दिनचर्या होती है वो 4:30 बजे से शुरू होती है। स्नान करने के बाद 5:30 बजे से गायत्री साधना फिर सूर्य साधना करते हैं। थोड़ा बहुत सुबह का चाय नाश्ते के बाद अध्ययन शुरू होता है जो दोपहर तक चलता है। भोजन के बाद दोपहर के विश्राम और विश्राम के बाद फिर से अध्ययन पूजन। रात्रि में भोजन और 8:30 बजे विश्राम होता है। भोजन आवाज आदि सब कुछ बटकों के निःशुल्क है। बटुकों को नए वर्ष के आश्रम में दिए जाते हैं। सभी बटुकों को रहने के लिए अलग से आवास की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से हर काम के लिए समय तय होता है। इस पे जो सबसे पहला बैच था उसमें पंडित राजेश शर्मा जो अब आश्रम में रहकर बटुकों को कर्म कांड आदि की शिक्षा दे रहे हैं। आश्रम के सारे अनुष्ठान चिन्मयानंद सरस्वती के सानिध्य और पंडित शर्मा के आचार्यत्व में होते हैं। गुरु पूर्णिमा के लिए भी आश्रम में खास तैयारी होती है। सुबह से अनुष्ठान होता है फिर सैकड़ों जिसमें सैकड़ों वर्ष शामिल होते हैं और आश्रम में साल भर तीज त्यौहार शास्त्रोक्त पद्धति से मनाए जाते हैं। यहाँ नक्षत्रों के हिसाब से पौधे भी लगाए जाते हैं। ऐसे पवित्र विद्याधाम को हमारा शीर्षक नमन है हम और ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 80 के